हैप्पी दीपावली जी। हाँ, ये ब्लॉग बहुत लेट हो गया है और आज मतलब एक हफ्ते बाद मैं ये दिवाली का ब्लॉग डाल रही हूँ। और बीच में ऐसा हुआ था कि टाइम नहीं मिला था और हम कहीं चले गए थे घूमने, तो इस वजह से ब्लॉग डालने में लेट हो गया। वैसे सारी वीडियो मेरे फ़ोन में थी, पर एडिट करना और ये आवाज़ डालना ना रह गया था, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही थी। और नेटवर्क का भी इशू था, तो इस वजह से। तो हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ आपकी फ्रेंड रागनी। तो ये है दिवाली वाला ब्लॉग। और अभी आपने देखा, ये जो मेरे हस्बैंड है सफाई कर रहे थे, तो मैं उन्हें ऐसे ही छेड़ रही थी कि ये मैं वीडियो आपकी बहनों को भेजूँगी और ऐसे स्टेटस वगैरह में लगाऊँगी, चिढ़ा रही थी उन्हें पर। और यहाँ पर दिवाली का दिन है ये, शाम को सारा काम निपटाने के बाद। और दिवाली वाला दिन ऐसा होता है ना कि भले ही आप सब कुछ काम निपटा दिए हो, पर फिर भी दिवाली वाले दिन भी बहुत काम रह ही जाता है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी रंगोली बना रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा, मतलब मैंने अपने पति को बोल दिया था थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये बच्चे आ गए थे, बच्चे भी ज़िद कर रहे थे मैं भी बनाऊँगी। और फिर देखते देखते ये शाम हो गई थी। तो यहाँ पे शाम की तैयारी ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे किया था, कुछ ऐसे घर को डेकोरेट किया था, छोटा सा और सिंपल सा, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, और बस जितना किया उतना सुंदर लग रहा था। और आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये अभी रात का टाइम, अभी गैलरी ये वाली लाइट बंद कर दी है, क्योंकि ये ग्रीन वाली जो लाइट, ये उड़ने वाला लाइट जो है ना, वो जलाओ तो थोड़ा अंधेरे में ही अच्छा लगता है ये, इसलिए बंद हो गया था वो लाइट। और ये मैं पूरा डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ, कुछ ऐसा किया था ये। अभी मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी, फिर हमने सोचा कि पहले हम पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे ये जो भी खाना वाना या जो भी बनेगा, पकौड़े वगैरह। तो यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ जो है वो दिए जलाने की तैयारी कर रहे थे। और मैंने ये वाली साड़ी, तीज त्यौहार पे तो साड़ी ही अच्छी लगती है, वैसे तो मैं हमेशा सूट पहनती हूँ, सूट में ही चलना बनता है वैसे, और काम करना भी बनता है, साड़ी में तो बिल्कुल नहीं काम करना बनता है। लेकिन तीज त्यौहार जो होता है ना, उसमें मैं साड़ी पहन लेती हूँ, साड़ी पहनना अच्छा लगता है, लेकिन ये ना आदत नहीं है तो कुछ काम करना नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और जो मेरी सासू माँ है वो दिए में बत्ती और तेल लगा के रख दिया था, और बस हमें जलाना था। और दिवाली की पूजा हमेशा हम दोनों पति पत्नी ही करते हैं, या कोई भी पूजा, तो जैसे सबका अलग अलग पूजा होता है, हमारा भी अलग अलग, मतलब सबका अलग होता है, तो हम जैसे करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और छोटा सा सिंपल सा पूजा होता है हमारा, बहुत हम ताम झाम वाला पूजा नहीं करते हैं। तो बस दिया जला दूंगी, लक्ष्मी पूजा कर लूंगी, घर के मंदिर में पूजा हो जाएगा, और दिया हम सारी जगह रख लेंगे फिर, और जो है लास्ट में हवन हो जाएगा, फिर हमारा ये पूजा समाप्त हो जाएगा। बस यही छोटा सा पूजा होता है हमारा, और घर के सारे लोग बैठते हैं, बच्चे भी और घर जितने भी लोग होते हैं। तो बस ये हर दिवाली में ऐसे मिलजुल के हम ये काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो है हमारा पूजा जो संपन्न हो गया था, हमने हवन भी कर लिया था और यहाँ पे मैं सासू माँ के पाँव छू रही थी जैसे गांव में छूते हैं। तो पता नहीं क्या बात हो रही थी कि बच्चे और ये हंस रहे थे, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए। और यहाँ बच्चों से भी कह रहे थे कि पाँव छूओ तो ये बच्चे भी छू रहे थे। और जो मेरा बेटा है ना वो टीका लगवाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, टीका लगवाना ही नहीं चाहता है। तो बस अब मैं और मेरे पति सारा दिया लगाने लगे थे बाहर, और जितने भी गेट है किचन के आगे, रूम के आगे, नलके वगैरह पे रखते हैं ना, हमें सब पे रखते हैं उस दिन, सिलबट्टे पे, बाथरूम से लेके रूम तक, या फिर जितनी भी चीज़ होती है वाश बेसन वगैरह सब पे रखते हैं। तो बस, और ये बच्चे, बच्चों की अलग ही खुशी होती है, हमारी भी होती है, पर शादी के बाद ना हम औरतें खुल के कोई भी तीज त्यौहार मना नहीं पाते हैं क्योंकि जो हमारा टाइम होता है वो किचन में ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने हस्बैंड से बोला था कि डेकोरेशन दिखा दीजिए, तो ये है मेरा घर, ये मेरा घर है। और जितना भी डेकोरेशन हुआ था मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, ये बच्चों की रंगोली है, सड़क में बनाया था मेरे बच्चों ने, और अंदर तो मैंने बनाया था, पर बाहर जो है वो मेरा छोटा वाला बेटा 3 साल का और मेरी बेटी जो है 7 साल की, वो उन्हों दोनों ने बनाया था। तो ये मेरे पति सारा व्यू दिखा रहे थे तो मैंने कहा बाहर से लेके अंदर तक दिखा दीजिए, मैंने भी बाहर का नहीं देखा था व्यू क्योंकि मैं ऐसे नहीं निकलती हूँ। वैसे स्कूल से लेने जाना हो अपनी बेटी को फिर तो जाती हूँ, पर वैसे अदर टाइम में मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसा लग रहा है बाहर से। तो बस इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, मैं भी देख लूँगी और फिर मेरे इसमें भी ब्लॉग में भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग करने लगे थे सारा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला था कि थोड़ा सा रील्स भी बना दीजिए, फ़ोटोशूट भी कर दीजिए, मेरा अच्छा लगेगा। तो ये मेरी ये रील्स के लिए मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। और ये हम छत पर आ गए थे अभी दिया लगाने, तो ये मैं लगा रही हूँ। और जो हमारी ये चिंकी है वो आगे आगे घूम रही थी, अब उस दिन ये दिवाली वाले दिन इतना डरती थी, डरी नहीं थी पर पता नहीं कहाँ जाके छुप गई थी, किसके घर वो घूमती रहती है, सबके घर जाती है, छत छत पे, नीचे से कहीं नहीं जाती है पर छत छत ये सबके छतों पे घूम लेती है। तो ये पटाखों की आवाज़ सुन के किसी के छत पे चली गई थी, उधर ही छुप गई थी, फिर हमने ढूंढा दिखी नहीं, और जब हम नीचे आ गए खाने पीने लगे फिर वो आ गई थी, फिर वो घूम के आ जाती है 2-3 घंटे में। तो इसलिए हम उतना वो नहीं करते हैं, उसकी बाउंडेशन नहीं करते हैं क्योंकि जानवर तो आज़ाद, उनको मन लगता है आज़ादी में, तो इसलिए हमने भले ही